हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों आप सभी का मैं पीयूष आर्य हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके ये वोकैबुलरी की जो सीरीज चल रही है उसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यहां तक कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ ही आपको आइटम्स और फ्रेज मिल चुके हैं। यानी कि आपके मिलने वाले 14 मार्क्स में से अब बचा हुआ एक पार्ट कौन सा होमोफोन्स, जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इतना आसान कि आप तुरंत एग्जाम में आके उसको क्रिएट कर दोगे। तो कैसे होगा तो देखते हैं, एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले हम बात करते हैं होमोफोन्स की। किसकी? होमोफोन्स की। होमोफोन्स आखिर होते क्या है? तो देखो, होमोफोन्स जिसको होमोग्राफ, होमनीग्राफ और होमोनिम्स भी बुलाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसे कहते हैं क्या? समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द, एक समान ध्वनि वाले शब्द। तो इंग्लिश में इनकी क्या होती है? पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर सेम इन साउंड, व्हिच आर सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड होमोफोन्स, इज कॉल्ड होमोफोन्स। यानी कि ऐसे पेयर ऑफ वर्ड, यानी ऐसे शब्दों के जोड़े जो बोलने पे तो एक जैसी लगे। यहां देखो, मैंने अपोजिट लिखा है, यहां अपोजिट लिखा है, बोल तो एक जैसे रहे लेकिन इनकी सेंस क्या आ रहे हैं? ये योग्य है, ये उल्टा है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड होमोफोन्स। ठीक है, शब्दों के ऐसे जोड़े जो क्या होते हैं, जो ध्वनि में तो एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ में अलग होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में आखिर इसको करना क्या होता है? जो शब्द का जोड़ा आएगा आपको उनके पहले अर्थ अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद उस वर्ड से आपको क्या करना है? सेंटेंस क्रिएट करना है, कुछ ऐसा कि जिसमें ये अपोजिट का अर्थ आ जाए। ठीक है, तो आप देखो, सेंटेंस मैंने आइटम्स फ्रेज में ही बताया था कि जितना छोटा सेंटेंस आप क्रिएट करोगे आपके लिए अच्छा होगा। अगर मैं इस अपोजिट योग क्यों लिखूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ही इज एन अपोजिट पर्सन, वह एक योग्य व्यक्ति है। ठीक है, अब मैंने छोटा सा सेंटेंस क्रिएट किया लेकिन इसका अर्थ मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया, समझ गए? अब वहीं पे ये अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। तो उल्टा का आप क्या कहो कि वो हमेशा उल्टे कार्य करता है, या फला शब्द का अपोजिट यह होता है, कह सकते हो ना कि द अपोजिट ऑफ गुड इज बैड। तो आप ये भी कह सकते हो, या वो हमेशा उल्टे कार्य करता है, तो ही ऑलवेज डज अपोजिट वर्क। ठीक है, अपोजिट वर्क्स। अभी आपका क्या हो गया? मैंने इसका, यानी आप देख रहे हो कि दोनों वर्ड दिए रहेंगे, इनके जो अर्थ हैं उसको आपको अपने मन में रखना है। एग्जाम में आपको ये हिंदी लिखनी नहीं है, ये हिंदी यहां पर इसलिए आपको लिखकर दिखाई जा रही है कि ताकि आपको इसका सेंस आपके माइंड में बैठा रहे। तो आपको ये दो पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे उनके दोनों को लेकर एक सेंटेंस क्रिएट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। ज्यादा खींचिएगा मत, छोटा सा कोई क्रिएट करिए ताकि आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। मैं आपसे हमेशा यही बात कहता हूं। अब आते हैं हम आगे की तरफ। अगला है हमारा जो दूसरा, जैसा कि देख सकते हो आप लिखा है कि आल्टर और आल्टर। आल्टर का मतलब होता है बदलना। ठीक है, आल्टर मतलब बदलना। इस आल्टर का अर्थ है बेदी। तो आल्टर मतलब बदलना, उसे नहीं बदलना चाहिए, उसे अपने बातों का तरीका बदल लेना चाहिए,
यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें बदलना शब्द आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि यू शुड alter, you should alter, तुम्हें बदल लेना चाहिए your way of speaking. ओके, ध्यान दीजिए, You should alter your way of speaking. आपको अपने बोलने का तरीका बदल लेना चाहिए. ऐसा हम बहुत लोगों को सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें हमने इस alter शब्द का प्रयोग कर दिया, जिसकी मीनिंग आपको चेंज होती है. alter मतलब बेदी, ठीक है. तो मैंने शिव जी की बेदी पर फूल चढ़ाया, तो आप कह सकते हो I offered the flowers on the altar of Lord Shiva. मैंने शिव जी की वेदी पर क्या किया, फूलों को चढ़ाया, ठीक है. अब यहां पे आप देख रहे हो एक शब्द आप यहां पे लिखा है, एक और पेयर है, वर्ड है, ब्रेक है, ठीक है. तो उसने सभी चीजों को तोड़ दिया. देखो, आप इनका सेकेंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन ये ब्रेक शब्द आना चाहिए, यानी तोड़ने का वाला सेंस होना चाहिए, ठीक है ना. She always breaks my pens. हमेशा वो मेरे कलमों को तोड़ देती है, कह सकते हो ना, वह हमेशा मेरी कलमों को तोड़ देती है, break, ठीक है. तो his cycle has no break. उसके साइकिल में ब्रेक नहीं है. हैज नो ब्रेक्स, ठीक है ना. तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो भी पेयर ऑफ वर्ड्स थे, जिनका जो सेंस होता है, उनको लेकर हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं. ऐसे ही आपको एग्जाम में बच्चा करना है, और आपको अपने फुल मार्क्स अपने पास ले लेने हैं. देखो, ये नंबर आपको नंबर दिलाने वाली चीजें हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और आपको ये आगे क्या करेगा, कामयाब करेगा. देखो बैकुलरीम, अब इसको इतना करने के बाद आपका जो 14 मार्क्स डन हो जाएगा. तो ये आपको अभ्यास में लाना है. और इस अभी और कुछ बता रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप उनको यदि चाहते हैं कि वो भी चीज हमको मिल जाए, तो आप हमारे 100 बैच के दिवाली ऑफर में 799 रुपए में आप जुड़ सकते हैं. और जहां पे आपको मिलते हैं बैगबुलरी के सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर, और साथ ही आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने खुद चूज किया हुआ है. तो आपको देरी न करिए, आप जल्द से जल्द जुड़िए इस दिवाली के मेगा ऑफर में मात्र 799 रुपए में 100 बैच से. ओके, अब देखिए यहां पर आ जाते हैं. ये है हमारा गठरी, ठीक है. अब गठरी यानी इसको गांठ भी बुलाया जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या, मान लो कोई नाम ही ले ले, रमन फाउंड, रमन फाउंड टू वेल्स, टू जब टू लगा दे, टू वेल्स ऑफ कॉटन,
कॉटन की दो गांठ पाया, ठीक, कॉटन की क्या हुआ, दो गांठ पाया, ये भी तो कह सकते हैं। और वेल का मतलब है जमानत, ठीक है, तो जमानत पे आप अभी अभी आर्यन जी को देख ही सकते, आर्यन खान को, तो उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया, तो आर्यन वाज रिलीज्ड ऑन दी बेल, ये बेल है जमानत वाली, ये जमानत वाली बेल है, और ये बेल है गांठ वाली, ठीक है। तो आर्यन वाज रिलीज्ड ऑन दी बेल, आर्यन को जमानत पे छोड़ दिया गया। अब ध्यान दीजिए, हम अब आगे बढ़े, कैरियर है और कैरियर, वो हमेशा अपने अच्छे कैरियर के लिए कठिन मेहनत करता है, वो हमेशा अपने अच्छे कैरियर के लिए कठिन मेहनत करता है, वो अपना एक बहुत ही चमकदार कैरियर बनाना चाहता है, यानी जो बहुत एक ऐसा सेंटेंस जो पेशा एंड जीवन से आपके रिलेटेड हो, इस कैरियर का अर्थ है कि जो पीछे कैरियर हमारे बनता है, सामान को ढोने वाला जिसको हम वाहक कहते हैं, तो इस कैरियर का अर्थ वो है CARRIER, ये CARRER, दोनों कैरियर की स्पेलिंग को आप ध्यान में रखोगे, उनकी मीनिंग क्या होती है, तो आप सेंटेंस बहुत आसानी से क्रिएट कर लोगे। अब अगर हम यहां पे देखें कैरियर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है फॉर अ गुड कैरियर, ठीक है। अगर इसमें कहें तो क्या, उसके साइकिल में क्या है, कैरियर है कह सकते हो, ही सेट अप अ कैरियर इन हिज बाइसिकल वो अपने साइकिल में एक क्या है, कैरियर लगाया है, वाहक लगाया, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, चेक, देखिए चेक, बहुत चेक पाते हो, तो यहां पर भी एक दो चेक है, एक चेक का अर्थ है क्या, रोकना या जांच करना, चेक रोकना, एक क्या है, धनादेश, यानी धनादेश मतलब जो चेक आहरण हम करते हैं, चेक किसी को प्रदान करते हैं धन का, धन के लिए, तो वो क्या है, वो ये चेक है, और ये चेक जांचना या रोकना, तो ही कुड नॉट चेक हिम, वो उसे नहीं रोक पाया, वो उसे नहीं जांच कर पाया, चेक हिम, चेक, प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ, ये वाला चेक रहेगा, याद रहे, चेक ऑफ 6,000 रुपीज, ठीक है। जब नंबर 100 और 1000 के पहले या डजन के पहले कोई नंबर आ जाता है, तो उसमें हम भले प्लूरल हो जाए, यस या यस नहीं जोड़ते, इसमें रहेगा यस, इसमें नहीं रहेगा, ओके, देख लीजिएगा, ये जब चेक था तो उसने मुझे चेक दिया, ये भी कह, उसने मुझे चेक दिया, तो ही गेव मी अ चेक, छोटा सा सेंटेंस, प्यारा सा सेंटेंस भी बना सकते हो। अब आगे बढ़े, ये आता है सेल, कोशिका एक सेल बेचना, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर सेल मतलब कोशिका, हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं, तो हम कह सकते हैं माई बॉडी हैज मेनी सेल्स, छोटा सा बन रहा है तो बना लो,
फिर नहीं बनता है तब बड़ा सेंटेंस की तरफ सोचते हैं, छोटा सेंटेंस बन गया। मेरे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं, माई बॉडी हैज मेनी सेल्स, सेल्स ये बेचना है। तो आज समय दिवाली चल रही है, बहुत से लोग क्या करें, कुछ ना कुछ बेच ही रहे होंगे, कैंडल्स बेच रहे होंगे, पटाखे बेच रहे होंगे, तो कुछ भी लिख दो, क्योंकि इस समय क्या है, बहुत कमाई है ना। ही सेल्स कैंडल्स, ही सेल्स कैंडल्स इन दिवाली। वो दिवाली में क्या करता है, कैंडल्स बेचता है, मोमबत्तियों को बेचता है। सेंटेंस ठीक है, सभी लोगों को एडवांस में आज के धनतेरस से, धनतेरस की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको दिवाली की भी बहुत ही ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा धन वर्षा करती रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आती रहे, और आपकी मेहनत जो हो, आपकी मेहनत के द्वारा और भी खूब आपके घर में क्या हो, रोशनी जगमगाए, मेरी यही आप माँ लक्ष्मी से कामना है। तो सबको एडवांस में हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। अब आते हैं आगे, आइडल, आलसी और आइडियल आदर्श। आलसी का मतलब क्या है, सुस्त व्यक्ति। एक होता है आदर्श, आइडियल, जिसको हम लोग आइडियल पढ़ते हैं, ये आइडल आलसी, तो वह एक आइडल व्यक्ति है कह सकते हो, वह बहुत ही आलसी है। He is very idle person, वो बहुत आलसी व्यक्ति है। He is very idle person, वो बहुत आलसी व्यक्ति है। Ideal, ठीक है, वो मेरे आदर्श हैं। तो कौन, किसी का नाम लिख सकते हो, मिस्टर, मैं किसी का नाम नोट कर देता हूँ, मिस्टर जेपी सिन्हा इज माई आइडल, ठीक है, मिस्टर जेपी सिन्हा क्या है, मेरे आदर्श हैं। अगर आप लोग के भी कोई अगर आदर्श हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके, एक सेंटेंस क्रिएट करके आप बता सकते हो, ठीक है। कोई ना कोई आपके लाइफ में आपका आइडल जरूर होता है, जैसा आप सोचते हो कि हम भी उतनी मेहनत करें, हम उससे आगे बढ़ें। देखिए यह है एक सेंटेंस, मैं आपको जरूर छोड़ूंगा, ठीक है, यह है लोन अकेला, अलोन कर्ज, ठीक है, वो हमेशा अकेले ही हर वो काम को पूरा करता है। ही अलोन कंप्लीट्स हिज वर्क, वो अकेले अपने काम को क्या करता है, पूरा करता है। यह है कर्ज, ठीक है, वो बैंक से कर्ज लिया है। ही टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। तो ये आप देख रहे हो, मैंने कहा होमोपोन्स का मतलब ही क्या होता है, पेयर ऑफ सेंटेंस विच आर सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड होमोपोन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स लीजिए और उनके सेंटेंस क्रिएट करिए। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, सर यहाँ पे हमको ये चीज और कैसे हमको हम सोचेंगे, तो सोचना तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको वर्ड की स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। दिखने में बोलने में एक जैसे, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होगी। एग्जाम में आपको हिंदी लिखना नहीं है, मेरी बात को एकदम गांठ बांध लेना। तो आपको इनको बस मीनिंग के सहारे आप उनकी हिंदी अर्थ को माइंड में रखो, फिर ऐसा सेंटेंस माइंड में लो कि जो उसमें वो वर्ड शामिल जरूर हो जाए। अगर कोई वर्ब के रूप में है तो वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आई एन जी फॉर्म भी बना के आपका सेंटेंस
क्रिएट हो सकता है वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को जरूर समझे हो। अगर समझे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना कि हाँ सर हमें समझ में आया है। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा आप चाहते हो कि जो मैंने टॉप 50 मैंने बनाया है आपके पूरे वैकुलरी के एक एक टॉपिक का एग्जाम से रिलेटेड, उसको पढ़ने के बाद आपके मैं गारंटी देता हूं पूरे की आपको 14 मार्क्स वैकुलरी का एकदम डन रहेगा। ऐसे एक एक पार्ट मैंने कल आपने देखा होगा कि नवंबर में पढ़कर तैयारी कैसे करें, उस वीडियो में मैंने बताया किस प्रकार आपको अब आगे बढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपकी खत्म कर दी गई है। तो आप अपने एग्जाम को ध्यान में रख के खूब खुशियां मनाते हुए दिवाली की हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए। बस मैं आपसे यही कहूंगा, जो ये आपका ये जो लास्ट है ये आपका जो है आज का होमवर्क है कि इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे कि डज का सेंटेंस खुराक और ये डज उंगना यानी जम्हाई लेना होता है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे, जिसका सेंटेंस क्रिएट होगा उसको जरूर मेरी तरफ से ठीक है लाइक तो मिलेंगे, साथ में उनको एक शाबाशी भी मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी भी हमारे सुहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि एक बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कहीं चूक न जाए और आपकी तैयारी कहीं रुक न जाए। तो इसलिए एकदम हो जाइए तैयार। और मैं अब पीयूष आर्या आपसे लेता हूं विदा, गुड लक।